गाइज, अगर आप लोग अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो ऐसे में आप लोग ज्यादातर दो एप्लीकेशन का यूज करते हैं। पहली एप्लीकेशन है इरेजर ऐप और दूसरी एप्लीकेशन है पिक्सआर्ट ऐप। तो इन दोनों एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें, पहली बात करते हैं हम लोग इरेजर ऐप की। इरेजर ऐप में जब दिक्कत जब आती है, जब बैकग्राउंड का कलर मल्टीपल कलर में हो, तो ऐसे में जब आप अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और उसमें मतलब ऑटो क्लिक वाला जो ऑटो ऑप्शन भी होता है, जिससे ऑटो मतलब मैजिक और ये दो तीन ऑप्शन होते हैं, उसके जरिए भी आप लोग रिमूव करते हैं तो भी परफेक्टली रिमूव नहीं होता, और अगर होता भी तो काफी ज्यादा टाइम लेता है। और बात करें पिक्सआर्ट की, तो पिक्सआर्ट में जो एक मैजिक करके ऑप्शन होता है, जो आउटलाइन आप लोग बनाते हैं पिक्सआर्ट में, उसमें भी अगर देखा जाए तो इतना परफेक्टली रिमूव नहीं होता है। काफी टाइम पे अगर आपका बैकग्राउंड मैचिंग हो रहा है अपने फोटो से, तो वो चीज भी कवर कर लेता है। तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए होता है बहुत ही अच्छा जरिया, जिसके जरिए आप लोग अपने फोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप लोग सिर्फ एक क्लिक में, जी हां एक क्लिक में, अपने फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को ऐसी हमेशा इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग किस तरीके से अपने फोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं, अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी एक ब्राउजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं आपके मोबाइल में जो भी अवेलेबल हो। तो उसमें आपको जाना है और एक चीज सर्च करनी है, आप लोग सर्च करना है remove.bg, ठीक है। सो remove.bg सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट फ्रंट में ही आ जाएगी सबसे पहले आप लोगों को। तो ये वाली वेबसाइट एक बार आप देख लें ध्यान से, remove.bgs पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। अब देखिए, आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन शो करेंगे, मतलब इतने तो नहीं कर रहे, हाँ मतलब इस टाइप के ऊपर ये वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है अपलोड इमेज पे, ठीक है। और अपलोड इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी रिसेंट इमेज आएगी जो लोडिंग होगी काफी टाइम में। तो उससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जाके ब्राउज में जाके ये वाला फोटो, जैसे मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा ये फोटो देखिए काफी ज्यादा कलर है बैकग्राउंड में, तो मैं चाहता हूँ उसका आराम से बिल्कुल मतलब एक क्लिक में मेरे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, जस्ट अपलोड पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब यहां पे क्या शो करेगा कि जो हमारा फोटो है ना रीसेंट वाला, वो लोडिंग होगा यहां पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसा आप देख रहे हैं रीसेंटली यहां पे आ चुका है, और मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड किस तरीके से करना है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सो ये अपना फोटो है, ठीक है, और आप देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से इस तरीके से रिमूव हो गया। अगर हम लोग ये किसी दूसरी एप्लीकेशन से अगर ऐसा करते हैं तो भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तो यहां पे इजीली डाउनलोड हो चुका है, मतलब सॉरी इरेज हो चुका है इसका बैकग्राउंड। अब इसे डाउनलोड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये डाउनलोड वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपको जस्ट ओपन करना है और ये आपका फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष for you।